रेडी स्टार्ट। महोदय, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा विज्ञान का विषय है, परंतु आज ऊर्जा संसाधनों का जो संकट हमारे सामने उपस्थित है, उसको देखते हुए हमारी आशाएं सूर्य और उससे मिलने वाली ऊर्जा पर टिकी हैं, विराम यों यह विषय सामान्य हित का है और उसमें हमारी समान अभिरुचि भी दिख पड़ती है, विराम। अतः इस पाठ में सौर ऊर्जा की संकल्पना और उसकी उपयोगिता पर स्फुट विचार अर्ध तकनीकी भाषा में यहाँ प्रस्तुत है, विराम। ऊर्जा संसार के प्राणियों के जीवित रहने और दैनिक कार्यों के लिए परम आवश्यक है, विराम। पेड़ पौधे सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, विराम। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं, विराम। समस्त स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, विराम। ऊर्जा के बिना न तो जीवन संभव है और न ही कोई कार्य हो सकता है, विराम। इसीलिए मानव प्राचीन युग से लेकर आज तक ऊर्जा प्राप्ति के लिए अनेक स्रोतों और प्रक्रियाओं को खोजता रहा है, विराम। ऊर्जा जिन साधनों से प्राप्त होती रही है, उन्हें हम ऊर्जा प्राप्ति के पारंपरिक स्रोत कहते हैं, विराम। स्रोत है लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि, विराम। इनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, विराम। वायु और जल को भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है, विराम। आधुनिक युग में विज्ञान ने ऊर्जा के और नए स्रोत निकाले हैं, विराम। इन्हें आजकल गैर पारंपरिक स्रोत कहा जाता है, विराम। आज ऊर्जा के अनेक रूप हमें ज्ञात हैं। ईंधन वाली ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्मी ऊर्जा या जमीन के नीचे पथराए ईंधन वाली ऊर्जा, गैस ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा आदि, विराम। पैरा पारंपरिक स्रोतों से निकलने वाली ऊर्जा की कमी के कारण गैर पारंपरिक स्रोतों की खोज का काम आज बड़ी तेजी से किया जा रहा है, विराम। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सन 1950 से ही सौर ऊर्जा का प्रयोग आरंभ किया, विराम। सन 1973 में जब पेट्रोल, मिट्टी के तेल आदि पदार्थों का संकट अनेक देशों ने अनुभव किया, तब वैज्ञानिकों ने व्यवहारिक स्तर पर सूर्य को ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में स्वीकार किया, विराम। भारत सरकार के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है, विराम। वह राज्यों के ऊर्जा विभागों की सहायता से इन कार्यक्रमों और साधनों को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहा है, विराम। ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के निर्माण और उनके रखरखाव और प्रचार आदि पर बल दिया जाता है, विराम। इनके अनुसंधान तथा विकास के लिए उच्चतम तकनीकी ज्ञान तथा प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाता है, विराम। सौर ऊर्जा हमारे अनेक कार्यों में उपयोगी सिद्ध हो सकती है, विराम। सौर ऊर्जा से बिजली भी पैदा
की जाती है, जिससे घरों में और सड़कों पर प्रकाश होता है। विराम, सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर हीटर, सोलर ड्रायर, सोलर रेफ्रिजरेटर इत्यादि का विकास राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशालाओं में हो रहा है। विराम, सोलर कुकर संदूक के आकार का होता है, जो धूप वाले दिनों में 2 घंटे में दाल चावल आदि पका सकता है। विराम, पैरा, महोदय, मांस मछली आदि को भी इससे पकाया जा सकता है। विराम, सोलर हीटर सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पताल, होटल, कारखाने आदि में पानी गर्म करने के लिए काम में लाए जाते हैं। विराम, सोलर ड्रायर की सहायता से अनाज, तंबाकू, नारियल, इमारती लकड़ियां आदि को सुखाया जाता है। विराम, अब तो ऐसे सौर संयंत्रों का विकास किया जा रहा है, जिनसे समुद्र जल के खारेपन को दूर किया जा सकता है। विराम, सौर ऊर्जा से हमारे दूर दराज के गांव भी अब प्रकाश से जगमगा उठेंगे और गांव भी शहरों की तरह सभी आधुनिक साधनों से संपन्न हो जाएंगे। विराम, हम भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में सौर ऊर्जा 12 महीने सुलभ है। विराम, हमें चाहिए कि हम सौर ऊर्जा का भरपूर लाभ उठाएं। विराम, इससे न केवल पारंपरिक ऊर्जा की बचत होगी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि के लिए विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा में भी ज़्यादा बचत हो सकेगी। विराम, निसंदेह सौर ऊर्जा की क्रांति से सामान्य व्यक्ति को लाभ मिलेगा और देश चहुमुखी विकास का स्वप्न साकार कर सकेगा। विराम, चुनाव के पहले की स्थिति से देश गुजर रहा है। विराम, देश का लाखों करोड़ों का खर्च चुनाव पर होता है, चुनाव प्रक्रिया पर होता है, अतिरिक्त इसके चुनाव प्रत्याशी भी लाखों करोड़ों का खर्च करते हैं। जन जन तक पहुंचने के लिए, जन नेता बनने के लिए। विराम, अशिक्षित जनता भीड़ देखती है, दिखावा देखती है, प्रदर्शन देखती है, फिर कुछ छोटे मोटे लालच भी काम करते हैं और जनता गुमराह हो जाती है। विराम, ऐसी स्थिति में चुने गए प्रत्याशियों से भला क्या देश का हित हो सकता है। विराम, शिक्षित बुद्धिजीवी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया से, चुनाव परिणामों से हताश होकर प्रक्रिया से ही अपने को दूर रखने का उपक्रम करते हैं या इनको मजबूर हो जाते हैं। लंबी खड़ी कतारों में अपना समय नहीं लगाना चाहते। विराम, पैरा, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत सभी चुनाव यदि एक ही समय कराए जाएं तो बहुत संभव है लोगों में रुचि बने, समय का व्यय रुके। विराम, आर्थिक खर्च भार जो देश को बार बार करना पड़ता है वह बच सकता है। विराम, क्या ऐसा कुछ सोचा नहीं जा सकता। विराम, प्रत्याशी बनने के लिए भी कुछ मापदंड निर्धारित होने चाहिए। विराम, उनको शिक्षित होना चाहिए और चुने जाने के बाद उनके लिए
एक आचार संहिता होनी चाहिए विराम, उनके खर्च एवं संपदा पर एक प्रतिबंध होना चाहिए, एक गणवेशात्मक दृष्टि होनी चाहिए विराम, समाज का हित चाहे चाहने वाले ऐसे चुनिंदा लोगों का जीवन महात्मा गांधी की तरह सरल स्वच्छ एवं सादगी वाला होना चाहिए विराम, यदि ऐसा होने लगा तो व्यापारिक भावना से आने वाले प्रत्याशी स्वयं हट जाएंगे विराम, अच्छे चुनिंदा व्यक्ति ही देश को सही दिशा दे सकते हैं, देश का हित कर सकते हैं विराम, बहुजन संप्रेषण के माध्यमों के अभिनव विकास तथा राष्ट्रीय चेतना का अंतर्राष्ट्रीय जीवन से संबंध बढ़ा है, जिसके कारण मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी जटिल हो गई हैं विराम, वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी निरंतर उद्धरोमुखी हो रहा है।